guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me, Pikash Kadana, and I hope everyone is doing extremely, extremely well. So for today's video, I am super, super excited. Thumbnail और title से देखिए आप सब लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि आज की video कितनी ज़्यादा affordable होने वाली है. Maximum rate is 250. Yes guys, एकदम सही सुन रहे हो. ज़्यादा से ज़्यादा 250 रुपए के अंदर अंदर आपको सारी की सारी मैंने इतनी अच्छी अच्छी कुर्तीज़ जो पहन रखी है. इतने ज़्यादा अच्छे परफेक्ट प्रिंट, परफेक्ट कलरफुल समर्स एंड परफेक्ट फैब्रिक और एकदम परफेक्ट क्वालिटी और एकदम परफेक्ट प्राइस के साथ जो भी सारी डिटेल्स हैं मैं आपको शेयर कर दूंगी इस वीडियो के अंदर. तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट हॉल वीडियोस कौन कौन से देखनी है और ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा. आजियो से मैंने कुर्तीज़ ऑर्डर की एंड मैं रैंडमली आजियो से देख रही थी, ट्राई कर रही थी कि मुझे आजियो का भी हॉल कुछ ट्राई करना चाहिए एंड देखते देखते मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि इतने ज़्यादा अफोर्डेबल रेट थे और अभी तो आजियो पे बहुत बड़ी सेल चल रही है. तो कुर्ती हॉल वीडियो शुरू करने से पहले गाइस थोड़ा सा टचअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड फॉर टचअप मैं यूज करती हूँ ग्लो प्लस जूसी ड्यू ड्रॉप्स फ्रॉम एक्वालॉजिका बिकॉज इसके अंदर है पपाया, विटामिन सी एंड हाइलोरोनिक एसिड जो आपको इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड कराता है, स्किन को हाइड्रेट करता है और एक ग्लोसी फिनिश भी ऐड करता है. बिफोर मेकअप मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ या फिर आप इसे प्राइमर के साथ मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हैं. इससे आपको बहुत ही ज्यादा फिनिश और ग्लोसी सा बेस भी मिल जाता है. ऑल्सो गाइज इट्स नॉन स्टिकी, सुपर लाइट वेट एंड गेट्स इजिली अब्सॉर्ब इन टू द स्किन एंड वर्क लाइक अ ड्रीम. इट कम विद अ पेटेंटेड यूनिक वाटर लॉक टेक्नोलॉजी दैट लॉक्स इन मॉइस्चर एंड गिव्स यू अ ग्लोइंग हाइड्रेटेड स्किन. इट कम्स विद अ ब्लेंड ऑफ फ्रूट्स एंड एक्टिव्स टू गिव योर स्किन द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. गाइज लुक एट द इंस्टेंट शाइन एंड शिमरी लुक ऑन माई स्किन एंड हाथ पे मेरी जो शाइन आ रही है, ओह माय गॉड, आई एम जस्ट लविंग दिस. तो हमने ये ट्राई किया एंड गाइज आप सब लोगों को पता है कि मुझे ब्लश प्लस हाइलाइटर कितना ज्यादा पसंद है और ब्लश और हाइलाइटर को अलग अलग लगाने के बजाय आजकल मैं यूज कर रही हूँ एक्वालॉजिका का जूसी ड्यूई ड्रॉप्स. इसके अंदर बहुत ही ज्यादा परफेक्ट सी आपको पिंकिश टच भी मिल जाता है, प्लस ये आपको ब्लश का भी काम कर देता है, इसी के साथ साथ आपको हाइलाइटर का भी काम कर देता है. इन एडिशन इट इज पेटा अप्रूव वीगन एंड क्रुएल्टी फ्री. ऑल्सो इट इज फ्री फ्रॉम नास्टीज लाइक पैराबन एंड सल्फेट एंड मिनरल ऑयल. And guys, these products are available on Nykaa and Amazon. In addition, use my coupon code PINKUSH20 to get 20% discount. इसके कुछ और बेनिफिट्स हैं, ऐसे आप अपने फेस पे सिंपल अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी मेकअप, एज अ सीरम आप इसे अप्लाई कर सकते हो. सेकेंड, आप इसे किसी फाउंडेशन या बीबी क्रीम के साथ मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हो. उससे आपका जो बीबी और फाउंडेशन का जो लुक होगा वो काफ़ी ज़्यादा शाइनी और काफ़ी ज़्यादा शिमरी सा आएगा. थर्ड, अगर आप इसे ब्लश के साथ भी अप्लाई करना चाहती हो तो आप इसे ब्लश के साथ मिक्स करके अप्लाई कर सकती हो. मैं इसे क्या करती हूँ, मैं इसे सिंपल अप्लाई करती हूँ, या तो स्टार्टिंग में पूरा का पूरा शिमरी बेस ही क्रिएट कर लेती हूँ या फिर मैं एड में टचअप देती हूँ ब्लश के लिए और हाइलाइटर के लिए. तो कुछ इस तरीके से हम ले लेते हैं ये. इसका जो शेड है आप देख के ही हैरान हो जाओगे, प्रिटी प्रिटी पिंकिश टच और सिंपल आपको ब्लेंड करना है और बहुत ही मैजिकली ब्लेंड हो जाता है आपके फेस पे. एंड गाइस लुक एट द इंस्टेंट ग्लो, लुक एट दिस शाइन, ओ माय गॉड इट्स अमेजिंग गाइस. मुझे ये प्रोडक्ट इतना ज़्यादा पसंद है, प्लस इससे इतना ज़्यादा नेचुरल पिंकिश ग्लो आता है ना, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. ये दो प्रोडक्ट्स जो है मेरे मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट हैं, तो आपको तुरंत इसे बाय कर लेना चाहिए. बहुत ही ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट देंगे, बहुत ज्यादा अच्छा आपको बेस मिल जाता है, ग्लो मिलता है. सो आई एम डैम श्योर दैट यू विल गोना लव दिस प्रोडक्ट. सो गाइस प्रोडक्ट लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू अप्लाई माई कूपन कोड दैट्स PINKUSH20 एंड यू विल गेट फ्लैट 20% डिस्काउंट ऑन दीज अमेजिंग जूसी ड्यूई ड्रॉप्स. ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद माय फर्स्ट एंड माय मोस्ट फेवरेट कुर्ती फ्रॉम दिस हॉल. मैं सच बताऊँ ना, आज की वीडियो के अंदर मेरी सारी की सारी कुर्तीज ही मोस्ट फेवरेट है बिकॉज एवरी कुर्ती इज सुपर सुपर अफोर्डेबल एंड इट्स इन अ प्योर कॉटन फैब्रिक. तो फर्स्ट जो कुर्ती हमने लिया है वो है व्हाइट और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कलर समर्स के लिए एकदम परफेक्ट लगा मुझे. इट्स इन अ स्काई ब्लू टच, नॉट प्रॉपर ब्लू बट इट्स अ वेरी आइस ब्लू और स्काई ब्लू वाला सा फिनिश आ रहा है इसके अंदर, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज मुझे इस तरीके की शेड्स ना बहुत ज्यादा पसंद आती है. इसका जो प्रिंट है बहुत ही सिंपल, बहुत ही सोबर, इसके अंदर व्हाइट कलर का प्रिंट दे रखा है एंड ब्लू एंड व्हाइट का जो कलर कॉम्बिनेशन है मुझे पर्सनली पसंद आता है, तो मैं इसे व्हाइट प्लाजो के साथ स्टाइल कर सकती हूँ. जीन्स के साथ मुझे स्टाइल करना कुर्तीज बेहद पसंद है, तो मैंने इसे फिलहाल अपने व्हाइट जीन्स के साथ स्टाइल किया है एंड नीचे मैंने व्हाइट कलर की जूतीज भी पहनी है. प्लस मैंने इसी को थोड़ा सा एनहांस और अच्छा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए मैंने बैंगल्स भी एड किया है. इन शॉर्ट, इंडियन लुक क्रिएट करना ना मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा अटायर
है, मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। एंड गाइज, इस कुर्ती की जो ब्रांड है दैट इज सृष्टि, इनका जो फैब्रिक है इट्स अमेजिंग। इसका जो फैब्रिक है इट्स अ प्योर 100% कॉटन फैब्रिक है और इतना ज्यादा लाइट वेट है, नॉट ट्रांसपेरेंट एट ऑल। मतलब इतना ज्यादा लाइट वेट और इतना पतला सा फैब्रिक देखते हुए ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एंड कंफर्टेबल बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके अंदर मैंने मीडियम साइज लिया था, फिटिंग आप देख पा रहे हैं, एकदम से मुझे फिट आया, फिट मुझे इसका बहुत अच्छा लगा एंड आई एम इन लव विद दिस कुर्ती। तो इस कुर्ती के लिए मेरी तरफ से एक बड़ी सी हाँ है, जल्दी से जाओ इस कुर्ती को ग्रैब कर लो, हो सकता है आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, बिकॉज इतने कम रेट के अंदर आपको ये कुर्ती और कहीं भी नहीं मिलने वाली है, ना अमेजोन, ना फ्लिपकार्ट, ना मीशो, ना मिंत्रा, कहीं नहीं। आज के पे भी बहुत बड़ी सेल चल रही है, तो गो एंड ग्रैब दिस कुर्ती राइट नाउ, प्रोडक्ट लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन गाइज। एंड गाइज, लेट्स टॉक अबाउट द कुर्ती नंबर 2, जो कि मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि आप सब लोगों को पता है मुझे व्हाइट कलर कितना ज्यादा पसंद है। तो कुर्ती नंबर 2 हमने लिया है व्हाइट कलर के प्रिंट में और ये कुर्ती मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। एंड सच बोलू ना तो इस कुर्ती का जैसा फैब्रिक है ना, वैसा फैब्रिक मेरी वार्डरोब में जितने भी कपड़े पड़े हैं, जितने भी बड़ी बड़ी ब्रांड से कपड़े पड़े हैं, उनमें से किसी का भी नहीं है। इतना ज्यादा अच्छा फैब्रिक है व्हाइट कलर के अंदर होते हुए, ट्रांसपेरेंसी 0%, बहुत ही ज्यादा परफेक्ट मोटा सा स्टफ है, बट इट्स इन अ प्योर 100% कॉटन। इसके फ्रंट में कुछ इस तरीके का थ्रेड वर्क दे रखा है, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही अच्छा फिनिश भी आ रहा है और कलर कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा सिंपल और काफी सूदिंग सा ऐड किया हुआ है। मुझे ओवरऑल ये कुर्ती हद से ज्यादा पसंद आई है, मतलब मैं देख के खुद को रोक भी नहीं पा रही हूँ, इतना ज्यादा परफेक्ट फिनिश, इतना ज्यादा परफेक्ट कलर। सो फ्रॉम माई साइड बिग बिग थम्स अप टू दिस वन ब्रांड, इसका भी सृष्टि है। और ये वाली जो कुर्ती है वो मुझे मिली है जस्ट फॉर ₹230। तो 230 के अंदर इतना ज्यादा लग्जरी सा पीस मिलना इज सच अ ग्रेट एंड अमेजिंग डील गाइज, गो एंड ग्रैब दिस वन राइट नाउ। और बाद में मुझे पक्का से आई एम डैम श्योर कि आप मुझे थैंक्स बोलने आओगे फॉर दिस सजेशन। सो या loved it and इसका जो साइज मैंने लिया that is medium, fitting is absolutely perfect. So link मैंने नीचे description में add कर दिया है, जल्दी से जाओ और इसे grab कर लो because this is amazing guys. एंड लेट्स टॉक अबाउट द कुर्ती नंबर 3। आज आप मुझे माफ कर देना, मैं बार बार अगर ऐसे बोलूंगी तो आप, मैं अपनी फेवरेट कुर्ती दिखाती हूँ, बिकॉज जो भी प्रिंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। इस बार जो कुर्ती हमें मिली है वो मिली है ऑरेंज और व्हाइट कलर के प्रिंट के अंदर, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल सा प्रिंट इसका भी एडेड है, बहुत अच्छा है। इसके अंदर बहुत ही सिंपल, सोबर, बहुत ही ज्यादा मिनिमल प्रिंट इसके अंदर किया हुआ है, काफी बारीकी सा वर्क है। इन एडिशन इसके यहाँ पे नेक लाइन में कुछ इस तरीके का थ्रेड वर्क भी कर रखा है, जो कि काफी ज्यादा एनहांस कर रहा है इसको, और बहुत ही अच्छे से डिटेलिंग भी एडेड है। स्लीव्स में भी इसके कुछ इस तरीके का थ्रेड वर्क एडेड है, लेस लगी हुई है आई थिंक थ्रेड वाला, तो ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एंड गाइस, लेंथ इसका भी सेम है, इट्स अ लॉन्ग कुर्ती, तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। प्लाजो पे आप इसे स्टाइल कर सकते हो, आप इसे जीन्स पे भी स्टाइल कर सकते हो। सो फॉर कॉलेज वेयर, ऑफिस लुक और नॉर्मल घर पे भी पहनने के लिए चाहिए ना, आपको definitely go with this one. और इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, बिकॉज इट्स नॉट दैट चमकीला ऑरेंज, इट्स अ वेरी सॉफ्ट एंड स्मूथ ऑरेंज कलर, तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। थोड़ा पीची सा शेड भी इसका आ रहा है। इसके अंदर भी साइज मैंने मीडियम लिया था, फिटिंग इज एब्सोल्युटली फिट गाइस। सो गाइस, फ्रॉम माय साइड बिग बिग थम्स अप टू दिस वन, और मैंने इस कुर्ती का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, जल्दी से जाओ अगर आपको अच्छी लग रही है, गो एंड ट्राई दिस वन राइट नाउ, बिकॉज बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, इसके अंदर कोई कमी नहीं ढूंढ पा रही हूँ। आई रेट 100 out of 100 एंड बिग बिग थम्स अप टू दिस वन। अब बात करते हैं कुर्ती नंबर 4 की, और कुर्ती नंबर 4 मैंने लिया है मेरे फेवरेट कलर में, मुझे कुछ इस तरीके का सी ग्रीन कलर और टील कलर काफी ज्यादा पसंद आता है, और इसका जो कलर है मुझे बेहद पसंद आया। इन एडिशन इसी के अंदर व्हाइट कलर के प्रिंट्स भी एडेड है, पूरी कुर्ती के अंदर कुछ इस तरीके के ब्लॉक प्रिंट्स कर रखे हैं, एंड ये काफी ज्यादा अच्छा लुक भी दे रहा है, बहुत ही मिनिमल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सोबर, लेकिन बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक वाइब देने वाला सा प्रिंट मुझे ये लगा। तो फ्रॉम माय साइड बिग बिग थम्स अप टू दिस डिजाइन। एंड इसके नेक लाइन में कुछ इस तरीके का थ्रेड वर्क भी किया है। इफ आई टॉक अबाउट द फैब्रिक, इट्स अ रियॉन फैब्रिक, नॉट 100% कॉटन, बट इट्स अ रियॉन फैब्रिक, बट इट्स इन अ वेरी गुड क्वालिटी। मतलब रियॉन फैब्रिक और कॉटन फैब्रिक ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, समर्स के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं, तो आप इसके साथ पक्का से जा सकते हो, बिकॉज क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है। प्लस इसी के फ्रंट में आपको दोनों साइड इसके पॉकेट्स मिल रही हैं, जो कि मुझे बड़ा पसंद आया, बिकॉज पॉकेट्स होती है ना, तो मुझे ऐसे लगता है काफी यूजफुल हो गया आपका ड्रेस, बिकॉज आप जितना चाहो उतना सामान जो है अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हो। मुझे बहुत ज्यादा हैबिट है, मतलब अपना फोन रख लूँ, लिप बाम रख लूँ, फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे बैग में कम हो और मेरी पॉकेट्स में सामान ज्यादा हो, तो ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और पहले भी जो मैंने कुर्तीज आपको दिखाई है ना 3, उन सबके अंदर पॉकेट्स हैं, दोनों साइड हैं, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा प्लस
पॉइंट है तो मुझे ये काफी अच्छा लगा। इसी का ब्रांड जो है वो भी है सृष्टि। मैंने ये सारी की सारी कुर्तीज ना मतलब उन्हीं की ब्रांड से ट्राई किया बिकॉज उनका जो प्राइस था वो देखे मेरे को ऐसे लगा ये भी ले लो ये भी ले लो, तो वही हुआ। और मतलब क्वालिटी के साथ मुझे सच बताऊं मुझे सच में खोलने से पहले ऐसे लग रहा था कि फैब्रिक जो है बहुत ज्यादा सिंथेटिक में होगा, काफी ज्यादा अच्छा नहीं होगा, बिकॉज 200 रुपए 150 रुपए की कुर्तीज मिलना और इतने अच्छे रेट के अंदर इतने अच्छे क्वालिटी के अंदर बहुत ही बड़ी बात है। मतलब आई एम इन लव विद दिस ब्रांड। तो गाइज इसका स्लीव स्टाइल जो है ना थोड़ा सा डिजाइनर है, इसका स्लीव स्टाइल काफी ज्यादा सिंपल नहीं है, इट्स अ बेल बटन वाला स्लीव है, यहाँ पे अम्ब्रेला कट जिसे बोलते हैं वो है और काफी ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है, काफी सिंपल नहीं लग रहा है। इससे आपकी जो कुर्ती का लुक है वो थोड़ा सा पाकिस्तानी सा लुक आने लग जाता है। ओके जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट कुर्ती की। और हमारा हॉल है पिंकुश का हॉल है और कुछ पिंकी पिंकी हम ना लाए ऐसा कैसे हो सकता है, तो इस बार हमने ले ली है फिर से एक पिंक कलर की कुर्ती। और ये वाला पिंक ना नॉर्मल पिंक कलर नहीं है, ये वो कॉटन कैंडी वाला सॉफ्ट पेस्टल पिंक कलर बेबी पिंक वाला सब वैसे सी वाइब दे रहा है। और इसका प्रिंट ओह माय गॉड, इसके अंदर बंदनी प्रिंट किया हुआ है एंड यू गाइस नो हाउ मच आई लव दिस प्रिंट। मतलब ये बंदनी प्रिंट ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जहां जहां मुझे दिखता है मैं वहां वहां पिघल जाती हूँ कि ये तो मुझे चाहिए। तो कलर कॉम्बिनेशन प्रिंट एवरीथिंग इज जस्ट सो परफेक्ट, व्हाइट कलर का प्रिंट इसके अंदर किया हुआ है। इसी के साथ साथ थोड़ा सा इसको डिजाइनर और अच्छी दिखाने के लिए इसके अंदर यहाँ पे गोटा पत्ती वर्क भी एडेड है नेक लाइन पे, जो कि सिल्वर टच के अंदर है और सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी कुर्ती ना आपकी पार्टीवेयर लुक भी दे रही है, अगर आपको बाहर मार्केट में पहनना है, किसी के घर पहने जाना है गेट टुगेदरिंग में, उसके लिए आई थिंक दिस इज द परफेक्ट पीस। अगर आप इसे सिंपल बैंगल्स के साथ सिल्वर बैंगल्स सिल्वर ज्वेलरी के साथ स्टाइल करेंगे ना आप बहुत ही ज्यादा अच्छे लगने वाले हैं। सो फ्रॉम माई साइड बिग बिग थम्स अप टू दिस वन, द ब्रांड इज सेम सृष्टि ब्रांड एंड साइज मैंने इसका भी मीडियम लिया, फिटिंग इज एब्सोल्युटली फिट एंड इसका जो स्लीव स्टाइल है दैट इज अ 3/4 स्लीव, लेंथ इसकी एकदम परफेक्ट है, प्रिंट इसका एकदम परफेक्ट है, फैब्रिक इसका 100% कॉटन है। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, जल्दी से जाओ और ले लो बिकॉज अभी चल रहे हैं बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफर्स। सो या एंड नेक्स्ट जो कुर्ती है ना आप सोच भी नहीं सकते, ये वाली कुर्ती इस हॉल की सबसे ज्यादा सस्ती कुर्ती है, ये जरूर मिली है मुझे 160 रुपीज की एंड आई एम इन लव विद दिस वन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नॉर्मल कुर्तीज की जैसे नहीं है, इट्स इन अ शर्ट स्टाइल कुर्ती और काफी वैसे पठानी सा लुक जो आ जाता है उस स्टाइल के अंदर एडेड है। इन एडिशन इसके जो स्लीव्स हैं वो फुल लेंथ स्लीव्स हैं और इसके यहाँ पे कुछ इस तरीके का बटन एडेड किया गया है और शर्ट स्टाइल वाला स्लीव्स लुक दिया गया है, तो ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, काफी ज्यादा सुंदर लगा। एंड गाइज इफ आई टॉक अबाउट द फैब्रिक क्वालिटी इट्स अमेजिंग, इट्स अ प्योर 100% कॉटन फैब्रिक के अंदर है, द ब्रांड इज सृष्टि सेम एंड साइज इसका मुझे स्मॉल मिला बिकॉज मीडियम साइज was not available at that time, but मैं इतने कम रेट की जो कुर्ती थी उसको खोना नहीं चाहती थी, तो मैंने साइज स्मॉल में ही मंगा लिया कि थोड़ा सा मुझे टाइट चलेगा, मैं पतली हो जाऊंगी बट मैं इस कुर्ती को कहीं और नहीं जाने देने वाली हूँ। सो आई पिक दिस वन एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई परचेज दिस वन एंड सुपर सुपर इम्प्रेस्ड विद द क्वालिटी विद द डिजाइन विद द स्टाइल, अमेजिंग फैब्रिक। सो या गो एंड बाय दिस वन राइट नाउ, हाईली रिकमेंड, प्रोडक्ट लिंक इज एडेड इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट कुर्ती फ्रॉम दिस हॉल। ये कुर्ती मुझे अच्छी तो बहुत लगी लेकिन बहुत ही बुरी हालत में आई है, इसके अंदर इतनी सारी सलवटें ऐड हो गई है, पता नहीं कैसे बस ऐसे घुचू मुचू करके और भेज दिया इसको। ओके कोई बात नहीं, हम इसे आयरन कर लेंगे लेकिन हम इसके डिजाइन और इसके स्टाइल की बात करते हैं। ये कुर्ती जो है हमें बहुत ही ज्यादा सिंपल सॉबर मिली है, एकदम प्लेन है, इसके यहाँ पे फ्रंट में कोई डिजाइन एडिट नहीं है, द फैब्रिक इज अगेन वेरी सिंपल एंड वेरी मिनिमल और इसके स्लीव में बस यहाँ पे कुछ तरीके का चिकनकारी वाला सब वर्क किया हुआ है जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि यही अगर स्टाइल पूरी कुर्ती में होता ना तो इस कुर्ती की बात ही क्या थी। तो थोड़ा सा मुझे डल लग रही है ये कुर्ती, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ इस तरीके की क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब हो गई है इसकी तो उस वजह से डल लग रही है। होप्स हो सकता है कि आयरन करने के बाद ये थोड़ी सी परफेक्ट लगने लग जाए, बट एनी वेज फैब्रिक क्वालिटी की बात करेंगे तो फैब्रिक इसका प्योर 100% रियॉन फैब्रिक एडेड एंड नॉट कॉटन, इट्स रियॉन बट इट्स वेरी लाइट वेट, वेरी सिंपल, वेरी सॉफ्ट एंड वेरी स्मूथ, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल नहीं है। सो यू लव्ड इट एंड आई थिंक इसके अंदर वन और टू शेड्स अवेलेबल है अलग से, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो।
तो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि आज की वीडियो के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। अब तक की मेरे चैनल की सबसे ज़्यादा सस्ती और अफोर्डेबल हॉल वीडियो है, मतलब 200 रुपए के अंदर अंदर आपको इतनी अच्छी अच्छी कुर्तीज़ मिल रही है 100% कॉटन फैब्रिक के साथ में, बहुत ही बड़ी बात है। एंड क्वालिटी के साथ ना कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था, मुझे सच में सारी की सारी कुर्तीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो मैंने इन सब के प्रोडक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, जल्दी से जाओ चेकआउट करो। और अगर आपको सब अच्छी लग रही है तो सब ग्रैब कर लो, क्योंकि 1000 रुपये में जहाँ हम एक कुर्ती खरीद रहे हैं वहाँ आपको 5-5, 6-6 कुर्तियाँ मिल रही हैं, इज वेरी बिग थिंग यार, गो एंड शॉप राइट नाउ। सो फिर भी अगर आपको लिंक्स में कुछ इश्यू आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। मैं नहीं चाहती मेरी ऑडियंस के अलावा ये प्रोडक्ट्स कहीं और जाए, सो यार रियली लव इट एंड हाईली रिकमेंडिंग गाइज, गो एंड शॉप राइट नाउ। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कौन सी कुर्ती बाय किया है या फिर आप कौन सी कुर्ती लेने वाले हो। आप सेव कर सकते हो, अगर आपको अभी नहीं शॉप करना है तो बाद में कर लेना, बट येस सजेशंस और रिकमेंडेशंस इज रियली नाइस, सो आप इसे सेव पक्का से कर लेना। सो या गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हैप्पी, टिल देन बाय।